पीछे पीछे आज क्या कहेंगे क्या मतलब नहीं माइक माइक ऊपर करो बैठ जाओ भैया जल्दी माइक नीचे करो और आज पांच माइक नीचे करो यार जनता टीवी इस तो मैं चरण से जुड़े मतदाताओं से जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी? अभी तो वोट पड़ रहा है पांचवे चरण का, अभी दो चरण और बचे हुए हैं तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीट। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज़? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा होगा। मुझे तो लग रहा है हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और मायावती जी लगता अच्छा है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ और पूछे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप मायावती को सुन रहे थे। दरअसल मायावती कह रहे हैं कि वोट जरूर कीजिए, वोट की अपील वो कर रही हैं और विरोधियों पर निशाना साधा। देश में मुद्दों पर आधारित सियासत नहीं हो रही है, मुद्दे आधारित वोटिंग नहीं हो रही है, ये मायावती कह रही हैं।
तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, मयूर भी हमारे साथ मौजूद है। मयूर, एक एक बड़ा सवाल मायावती ने उठाया कि भाई मुद्दों आधारित सियासत होनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा है। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। मयूर से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ विशाल भी मौजूद है कैसरगंज सीट से। विशाल, अगर मायावती के आरोपों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार चुनाव तो आरोप प्रत्यारोप के आधार पर हो रहा है, मुद्दे कहीं गौण हो गए। चलिए एक बार फिर से मयूर खरू करेंगे, विशाल से संपर्क टूट गया है। मयूर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मयूर तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। करीब 20 मिनट हो गए हैं वोटिंग शुरू हुए, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है सुबह के 7 बजे। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता तय कर देगी, ईवीएम में कैद कर देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल कई ऐसी हॉट सीट है जहां पर सभी की नजरें टिकी होंगी। रायबरेली और अमेठी वो सीट है जहां पर नजर पूरे देश की टिकी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मयूर, एक बार फिर से अगर हम बात करें मायावती के आरोपों की बात करें तो ऐसा लग रहा है मायावती के मुताबिक कि ये चुनाव जो है आरोपों के आधार पर हो रहा है, मुद्दे आधारित ये चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये ये बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज मायावती ने भी वही बात की है कि मुद्दों के आधार पे वोट मांगना चाहिए, मुद्दों के आधार पे चुनाव होना चाहिए, डर की राजनीति करके चुनाव नहीं होना चाहिए, उस पर वोट नहीं मांगना चाहिए। यही बात मायावती ने अभी भी की, और उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी पहले से बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि लगातार रोज जो है मायावती अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रही हैं, अपनी जनसभाएं कर रही हैं, और वो कह रही है कि इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और होने भी वाला है। और इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने दावा किया था कि वो सत्ता में आ रहे हैं और जो है अपनी मुंह की खानी पड़ी थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अलग चुनाव लड़ा है वो किसी के समर्थन में नहीं गया, ना वो इंडिया की तरफ ना वो एनडीए की तरफ। तो समीकरण इन दोनों का बिगाड़ने का उन्होंने काम जरूर किया है। जहां जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के कई ऐसे जो है लोकसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। मयूर, आप बने अमेठी का सारा रुख कर लेते हैं, हमारे और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, हमारे साथ सैयद हुसैन अख्तर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल का जरा रुख करते हैं। राहुल, अब वहां पर क्या कैसी चल रही है वोटिंग फिलहाल, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मतदाता भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। इसी बूथ पर थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आएंगी और मतदान करेंगी। दादा, वोट डालने के लिए लाइन में लगे, किन मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं? अरे फिर भी विकास कुछ है। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, किस मुद्दों के साथ आए हैं आप मतदान करने के लिए? क्या है मुद्दे, किसको लग रहा है विकास हुआ है कि परिवर्तन मांग रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है। तो लाइन में लगे हैं, सुविधाएं सारी यहाँ पे पूरी हैं? जी जी जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, मैं उनसे भी बात करते हैं। दादा, किस तरीके का आज मतदान करने आए हैं आप, किन मुद्दों पर कर रहे हैं? विकास काम पर कर रहे हैं, हमारे यहाँ विकास बड़ा लिया रहा है। और क्या क्या विकास हुए? खड़ंजा लगा, खड़ंजा से रोड से हमसे ज्यादा वो है, बिजली हमारे यहाँ बराबर आ रही है। आपकी बूथ की उधर अब स्मृति ईरानी जी भी हो गई हैं। हाँ जी सर। तो मिले हैं उनसे? हाँ मिले हैं सर। आप लोगों के संपर्क में आती हैं? गई थी सर, हमारे यहाँ रामायण बैठा था, गई थी। ये हमारे साथ अमेठी के वोटर्स हैं जो लगातार मतदान केंद्र पर लाइन में लगे हुए हैं और मतदान करने का लिए अपना आगे आए हैं, और 7 बजे से यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं भी चार चौपन की गई। थोड़ी देर में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और वो अपना मतदान करेंगी। अमेठी में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री खुद से यहाँ पर मतदाता है, तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी। चलिए, रायबरेली का रुख कर लेते हैं। सैयद हुसैन अख्तर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए वहां से जुड़ रहे हैं। सैयद, वहां की तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए। कल देखा जाता है, कल सैयद आवाज मिल रही है, तो वहां की तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए। कतारें लगी हैं क्या वहां पर पोलिंग स्टेशन पर? तो
चले नितिन का हम रुख कर लेते हैं, बाराबंकी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन वहां की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि वोटिंग शुरू हुए करीब करीब 24-25 मिनट हो गए हैं, वहां पर क्या कतारें दिखाई दे रही हैं आप? जी करीब आधा घंटे का मतदान हो चुका है और जो हमारे साथ आपको दिखाया पीछे हमारा बूथ ये पटेल महाविद्यालय है वहां पर हम मौजूद हैं और ये कुछ मतदाता हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आज आपने वोट किया, क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? आप युवा हैं, पहली बार वोट करने आया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? बस बेरोजगारी। क्या क्या करते हैं आप? ये तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार जिस तरह से काम कर रही है बेरोजगारी को लेके उसे संतुष्ट है? क्या मान रहे हैं कुछ ऐसा बदलाव की जरूरत है? कैसा बदलाव? अच्छा, क्या नाम है आपका? आजम। क्या लग रहा है इस तरह का चुनाव कैसा होगा और क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं या सरकार संतुष्ट है? सरकार संतुष्ट नहीं, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है जी। तो ये और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आपने वोट किया, कैसा लग रहा है? लग रहा है सुबह सुबह वोट करने आए, चाय जलपान किया है अभी? नहीं अभी तो जलपान नहीं किया। अच्छा, हमने कहा सुबह सुबह वोट डाल दें, उसके बाद जो है चाय पानी करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान। तो ये जागरूक जनता है यहाँ की जो यहाँ पर वोट डालने आई है और इनका कहना है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और आप देख रहे हैं अंदर लाइन लगी हुई है, वोट करने के लिए लोग जा रहे हैं और लगातार वोटिंग यहाँ पर जारी है और अच्छी खासी लाइन वोट के अंदर लगी हुई है। ठीक है नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं आप धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। अमेठी का एक बार फिर से रुख करते हैं, राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, और तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब जाहिर सी बात है सुबह ही ऐसा मौका होता है जब ज्यादा वोटर्स निकलते हैं घर के बाहर। अभी और कुछ जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए, उनके लिए कितना अहम है मुद्दे या फिर प्रत्याशी? ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से लौटते हैं आपके पास। देखिए जरा कुछ दिक्कतें आ रही है, राहुल के पास लौटेंगे एक बार। सैयद हुसैन अख्तर का जरा रुक करते हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद हुसैन अख्तर, वहां की क्या तस्वीरें आ रही हैं और अब वोटर्स की लाइन दिख रही है? सुबह 7 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गया है मतदाताओं का बूथ पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसा कि फोरकास्ट भी की गई है कि आज टेम्परेचर ज्यादा रहने की उम्मीद है। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो ये कुछ लोग लाइन में लगे जरूर हैं, लेकिन उतनी लंबी लाइनें अभी नहीं लगी हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही लंबी लाइनें यहाँ लगेंगी। अभी अभी यहाँ पे मॉक पोल और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर यहाँ पर अपना बूथ डाल के गई हैं। ये शहर स्थित जीआईसी है, उसका ये बूथ है। लेकिन ये है कि कुछ एक टोली जरूर निकली हुई है जो अपने आप ही लोगों को प्रेरित कर रही है कि वोट ज्यादा से ज्यादा डाले और शायद वो कारगर होगी। एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं, वो स्पेशली मुंबई से आए हुए हैं, गौरव कुमार जी। गौरव कुमार जी, क्या कह रहे हैं आप वोटरों से, थोड़ा सा? जी तो से बस यही उम्मीद है और सबसे गुजारिश है कि आप लोग वोट जरूर दें, कि जब मैं मुंबई से यहाँ आ सकता हूँ तो आप लोग तो रायबरेली और रायबरेली घर से उठकर जरूर आए, गर्मी ना देखे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही मैं मानता हूँ, पर आप सुबह सुबह वोट जाएं। मेरी डीएम मैम ने भी वोट दे दिया है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। तो वोट जरूर। आप विलेन बनते हैं, खलनायक की भूमिका में रहते हैं, लेकिन आज रायबरेली के हीरो नजर आ रहे हैं मतदान के दिन। जी वो तो सर वो फिल्मों में काम है, वो हमारा रियल का मैं हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए कोशिश है कि जरूरत की मतदान आम आदमी का अधिकार है, ताकत है, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता को चेंज कर सकते हैं। तो ये जरूर है, ये आपको समझना चाहिए क्योंकि समझने वाला जरूर होगा। जैसे कोई कोई कहता है कि वो नेता खराब वो खराब, अरे आप वोट तो दीजिए ना, वोट जब तक नहीं। चलिए सैयद, मैं लौटता हूं इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों बता देते हैं, फिर लौटता हूं आपके पास। रायबरेली की सीट